हेलो स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस लेक्चर वी विल फाइंड हाउ टू कैलकुलेट स्टेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम बाय यूजिंग स्टेट मॉडल. ठीक है, मतलब अगर हमें स्टेट मॉडल इक्वेशन दिए हैं तो हम स्टेबिलिटी उस पर्टिकुलर सिस्टम की कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर स्टेबिलिटी थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूँ, क्या होना चाहिए, जो पोल्स हैं वो राइट साइड पे नहीं होने चाहिए. ठीक, अगर पोल कहीं पे जीरो पे लाई करते हैं देन सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल. अगर पोल राइट हैंड साइड पे लाई करते हैं देन सिस्टम इज नॉट स्टेबल. और अगर पोल लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करते हैं सारे के सारे देन सिस्टम इज योर स्टेबल सिस्टम. ओके, नाउ अब ये इक्वेशन जो आपको थोड़े लास्ट वीडियो में आपने देखा, YS/US निकालनी है आपको. SI - A का इन्वर्स का क्या होता है, 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ SI - A एट जॉइंट ऑफ SI - A B+D. ओके, नाउ इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास इक्वेशन आएगी. अब क्या करना, अब आपको मालूम है ये क्या है, व्हाट इज दिस, YS/US, दिस इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, दैट मीन दिस इक्वेशन इज योर ट्रांसफर फंक्शन. इसमें कहा है ट्रांसफर मैट्रिक्स, तो जो आप ट्रांसफर फंक्शन, अब ट्रांसफर फंक्शन जो होता है उसका नोमिनेटर को जब आप जीरो में पुट करते थे तो आपके वहाँ जीरो आते थे, है ना. सिमिलर केस यहाँ पे भी करना है, टू फाइंड आउट जीरोस वी हैव टू पुट नोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन दिस टर्म सी एडजॉइंट ऑफ SI - A B, दिस इज बी, SI - A D इज इक्वल टू जीरो. और जब आप एस की वैल्यूज जो सॉल्व करके आएंगी वहाँ से फाइंड आउट करोगे जीरो वेयर जीरो लाइज. ओके, सिमिलरली टू फाइंड पोल्स, पोल्स के लिए हम वहाँ क्या करते थे, डिनोमिनेटर को जीरो पुट करते थे. एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर, मॉड ऑफ SI - A का जीरो. ठीक है, इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पोल्स के लिए कैसे निकालते थे, 1+GS SI, दैट मीन ये जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, इससे हमें अगर कोई पूछेगा आपको कि हाउ टू फाइंड आउट करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम, देन यू हैव टू यूज दिस फार्मूला. ओके, फाइंड आउट द वैल्यूज, इसको जीरो पुट किया, देन सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एस. If all the poles will lie on left hand side, that means that system is stable. Let us do one numerical on this. Now, if this is your state equation and this is output equation, अगर मैं compare करूँगा अपने standard equation से, then this is A, this is B, this is C and this is D. Similarly, you have to find out first equation क्या है आपको, ये चीज, ये इक्वेशन निकालनी है. ठीक है ना, आपको ये वाली इक्वेशन निकालनी है. तो अब आप क्या करोगे, सिंपली पहले हम निकालेंगे SI - A जो पहले करते आए हो, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे जिस विच इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टराइज़, निकाला फिर ट्रांसपोज कर दिया. ठीक, फिर एडजॉइंट ऑफ SI - A × B कर दिया, बी जो क्या था, बी इज 0-1 कर दिया. देन सी मल्टीप्लाई करना उसके साथ, सी इंटू एडजॉइंट ऑफ SI - A B, व्हाट इज सी, सी इज दिस इक्वेशन. ओके, ये आ गया आपका. अब ये सी एडजॉइंट ऑफ SI - A B प्लस क्या, प्लस डी, प्लस SI mod of SI - A D, SI - A mod of SI - A भी निकाला, मॉड ऑफ SI - D भी निकाला. अब फॉर जीरोज़ के लिए जो इक्वेशन है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसमें ये वैल्यूज पुट कर दी. ठीक है, देन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एस, एस निकली क्या, -1 और -3. सिमिलरली पोल्स के लिए क्या करना था आपको, पोल्स के लिए मॉड ऑफ SI - A = 0 पुट करना था. मॉड ऑफ SI - K निकाला क्या, दिस. ठीक है, यहाँ से आया एस की वैल्यूज -4 -5, दैट मीन दीज ऑल पॉइंट विल बी लाई ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो नो पोल इन राइट हैंड साइड, दैट मीन आवर सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम. ओके ओके, टेक केयर. नाउ दिस इज क्वेश्चन फॉर डेली परफॉर्मेंस मार्क्स. ओके, नोट इट एंड डू इट बाय टुमारो, टुडे इवनिंग.